जानकारी छिपाने वालों और उनके आसपास रहने वालों के लिए इंदौर के MY अधीक्षक PS ठाकुर और संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने एक अपील जारी की है। इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी व MY अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर के मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि चीन से भारत लौटने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी, नाम, उपाय और जिला CMHO कार्यालय पहुंचकर सूचना देवे ताकि उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया जाए। वहीं डॉक्टर PS ठाकुर और संभागायुक्त ने सभी से यह भी अपील की है कि यदि कोई इस जानकारी को छुपाता है और आपके आस पड़ोस या रिश्तेदार या कोई भी जान पहचान वाला चीन से आया है तो आप भी इस जानकारी को CMHO कार्यालय पर बता सकते हैं। नहीं, इस हम अगर कोई छात्र आए हो आइसोलेशन वार्ड में ना पहुंचो इसकी संभावना स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे जनता से मैं अपील यही करना चाहता हूँ, अकेले इंदौर की नहीं, पूरे मतलब पूरे हमारे इंदौर उज्जैन डिवीजन की जनता है कि अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में कोई भी छात्र अगर चीन में पढ़ता हो या कोई भी जो उद्योग के हिसाब से कोई चीन जा गया हो, अगर 15 जनवरी के बाद अगर कोई भी वहां से लौटा है चीन से वापस आपके घर में आपके आसपास में, तो उसकी सूचना आप अपने क्षेत्र के CMHO कार्यालय में जरूर दें, क्योंकि 15 जनवरी के बाद जो भी छात्र या कोई भी व्यक्ति वहां से चीन से वापस आ रहा है उसका सैंपल कलेक्शन करना आवश्यक है। ये इसके केंद्र सरकार से निर्देश है, तो इसलिए मैं उस निर्देश का पालन करती हूँ, क्योंकि अगर हम उनको दूसरा है कि उनका होम आइसोलेशन जरूरी है, तो अगर आप सूचना देंगे तो उनका कम से कम लोगों से एक्सपोजर हो पाएगा और हम इस बीमारी को फैलने से पहले ही रोकने में हम सक्षम हो पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपके आसपास कोई भी अगर ऐसा घर में आपको लगता है, आपके घर में हो या किसी और के घर में हो, कि सब चीन से कोई बच्चा आया है या छात्र आया है या फिर कोई और व्यक्ति आया है, तो कृपया आपके जिले के CMHO कार्यालय को सूचित करें, जिससे कि उसका सैंपल कलेक्शन करके उसको भिजवाया जा सके और उसको उसका होम आइसोलेशन किया जा सके, जिससे कि कम से कम हम उसके मेरा मतलब हम बीमारी को रोक सके फैलने से। वहीं संभागायुक्त ने कहा कि बीते दिनों इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती दो मरीजों के सैंपल पुणे भेजे गए थे जो कि नेगेटिव आए हैं। एक उज्जैन का सैंपल था और दोनों चीन से वापस लौटे स्टूडेंट्स थे जिनके बारे में ये सस्पेक्टेड था कि कहीं उनको कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं है। दोनों रिपोर्ट्स प्राप्त हो चुकी हैं पुणे की लैब से और दोनों रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, मतलब ये कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसा उन्होंने शुरू से ही कहा था कि इसमें पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत हमको वहाँ से वापस आने लोगों का वाले बच्चों का या दूसरे जो ट्रैवलर्स थे उनका सैंपल लेके भेजना था, तो उसलिए किया था ऐसे। और ये दोनों निगेटिव आए हैं, मैं समझता हूँ आगे भी ऐसी कोई स्थिति नहीं होती।